फादर्स को भी करना चाहती हूँ, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं आज है फादर्स डे। सो हैप्पी फादर्स डे टू ऑल यू लवली फादर्स आउट देयर जो अपने बच्चे का बहुत ही अच्छी तरह ध्यान रखते हैं। आज ये वीडियो मैंने एक फादर्स को ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया है, क्योंकि हमारे देश में अक्सर मदर्स को ही बहुत ही ऊंचे स्थान पर रखकर देखा जाता है और अक्सर एक फादर के सैक्रिफाइस को और उसके रोल्स को हम भूल जाते हैं। तो इस वीडियो में मैंने ये सोचा कि कैसे मैं अपने हस्बैंड को या मेरे बेटे के फादर को खुश कर सकती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप भी अपने हस्बैंड के लिए ये कर सकती हैं। मेरा बेटा, जैसे कि आप सब जानते होंगे, मेरा बेटा अभी 11 मंथ कंप्लीट करने वाला है, तो वो खुद तो अभी कुछ कर नहीं सकता अपने पापा के लिए, वो सिर्फ प्यार से अपने पापा की तरफ देख सकता है। उसके इसी जेस्चर को इलैबोरेट करने के लिए मैंने सोचा कि मैं एक कार्ड बनाती हूँ उसके पापा के लिए। अब मैं ये चाहती थी कि जितना ज्यादा से ज्यादा उसका इनपुट रहे उतना ज्यादा मेरे हस्बैंड को अच्छा लगेगा। तो मैंने आप सबके लिए कार्ड दिखा रही हूँ मैं आपको, जो मैंने अपने बेटे से बनवाया है। इनका फर्स्ट फादर्स डे था मेरे बेटे के साथ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे कुछ मेमोरेबल बनाया जाए और थोड़ा सा पर्सनलाइज्ड टच दिया जाए। इसलिए मैंने ये कार्ड बनाया अपने बच्चे की तरफ से अपने हस्बैंड के लिए। इस कार्ड में मैंने बहुत ही ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ किया है। चंदन से मैंने, ये जो आपको येलो कलर का दिख रहा है ये मैंने चंदन से बनाया, और जो रेड दिख रहा है ये मैंने सिंदूर से बनाया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है आपकी बेबी की मेमोरीज को प्रिजर्व करके रखने का। ये जो यहाँ पर आपको हार्ट दिख रहा है वो मैंने अपने बेटे के फिंगर में थोड़ा सा सिंदूर डिप करके डॉट डॉट करके मैंने ये हार्ट फॉर्म किया है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा शनमुख के पैर और उसके हाथ। ये मैंने छोटी सी पोयम लिखी है तरफ से उसके पापा के लिए, और पोयम ऐसी है। इट्स योर फर्स्ट फादर्स डे पापा, फर्स्ट वन एज माई फादर। You have caught me from falling and made me laugh harder. It's lovely to ride in your lap and go for long walks. Oh, how I wish, Papa, I could also talk. Then I would have told you, I love you how much. I don't know what a hero is, but no one can be better than you as such. ये कार्ड देखकर मेरे हस्बैंड बहुत ही इमोशनल हो गए, और उनके लिए एक बहुत ही सुवेनियर था। रादर देन उनको कोई ऐसी चीज़ देना जो बाज़ार से ख़रीद के देती, उससे अच्छा उनकी वाइफ और उनके बेटे के एफर्ट्स से बना हुआ ये होममेड कार्ड मेरे हस्बैंड को बहुत ही पसंद आया, और उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही अप्रिशिएट किया। और ये हमारे लिए भी एक मेमोरी के फॉर्म में सेव हो गया कि हमारा बच्चा जब इतना छोटा था तब हमने फर्स्ट फादर्स डे उसके साथ सेलिब्रेट किया था। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको ये कार्ड एक वीडियो के फॉर्म में। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रंट पे ही लिखा हुआ है लव यू पापा, जिसमें मेरे बच्चे के दोनों पैर हैं। एक मैंने बनाया है चंदन से और एक मैंने बनाया है सिंदूर से, बहुत ही प्यारा लगता है। तो आप कुछ इस तरीके का कर सकते हैं अपने हस्बैंड को बहुत ही स्पेशल फील कराने के लिए। नेक्स्ट, जैसे ही आप कार्ड को ओपन करेंगे, मेरे बच्चे का एक फुट प्रिंट है और एक हैंड प्रिंट है। उसके घर का नाम है कृष्णा, और ऐसे हमने उसका नाम सोचा है शनमुख, तो वो दोनों नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। और ये वो पोयम है जो मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिखी थी। एक्चुअली मैं बहुत ही मुझे बहुत अच्छा लगता है पोयम्स लिखना, इंग्लिश में हिंदी में, तो मैं कोशिश करती हूँ कि एक पर्सनलाइज्ड पोयम लिख के किसी को दे दूँ उसके बर्थडे पे या कोई भी ऐसा ओकेजन रहता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सारी छोटी छोटी चीज़ें करना, और इन्हीं छोटी चीज़ों से आपका रिश्ता बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनता है। तो आप भी कोशिश करिए कि आप जिस भी चीज़ में अच्छे हैं, छोटा सा आपका ये एफर्ट आपके हस्बैंड को बहुत ही स्पेशल फील करा सकता है, और आपके रिलेशन को, आपकी फैमिली को और भी टाइटली बॉन्ड कर सकता है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कार्ड के पीछे लिखा हुआ है मेड विथ लव, और क्योंकि आज सोलर एक्लिप्स था तो मैंने वो भी यहाँ पर डाल दिया है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये कार्ड थोड़ा सा मैसी है, क्योंकि मुझे ऐसा ही पसंद है। अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये दोनों ऐसे सो रहे हैं जैसे इन्होंने ही सारी मेहनत की हो। आज के समाज में जब एक माँ अपने बेटे का ध्यान रखती है, उतना ही इक्वली एक पिता भी अपने बेटे का ध्यान रखता है। तो आज इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में और इस डिजिटली अवेयर दुनिया में आप ये मत भूल जाइएगा कि आपके हस्बैंड को भी अप्रिसिएशन की कभी कभी जरूरत होती है।
आप ऐसे बहुत सारे काम कर सकती हैं जो कि आपके हस्बैंड को अप्रिशिएटिव लगेंगे, जैसे कि अगर वो आपके बेबी का ध्यान रख रहे हैं तो आप उन्हें थैंक कर सकती हैं, ताकि उन्हें ये पता चले कि हम उनका जो भी इनपुट है उसको वैल्यू करते हैं और समझते हैं कि वो हमारे लिए क्या और कितना करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना ना भूलें। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे ग्रो करने में हेल्प करिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड।